नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रविदास जी की ऐसी कहानी सुना रहा हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह जल तो मुल्तान गया। रविदास जी के ये शब्द उस समय के हैं जब गुरु गोरखनाथ जी संत परमात्मा कबीर और कबीरदास जी की पुत्री कमाली रविदास जी से मिलने उनके घर गए थे। गुरु गोरखनाथ जी पूरे भारत का भ्रमण किया करते थे और अलख निरंजन शब्द का गुणगान किया करते थे। ये उनकी पहचान बन गई थी। एक बार घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के घर पहुंचे। उस वक्त उनके घर में उनकी पुत्री कमाली और कबीरदास जी थे। दोनों संतों का आपस में मिलन बड़ा ही मधुरमय था। दोनों आपस में बड़े प्रेम पूर्वक मिले और गुरु गोरखनाथ जी कुछ समय कबीरदास जी के घर में रुकने के बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि चलो रैदास से मिलकर आए। ये संत बहुत गुणी और ज्ञानी होते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन वो संत आपस में बहुत प्रेम करते हैं, वो असलियत को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। मेरा भी किसी संत का निरादर करने का कभी कोई मनसा नहीं है, ना मेरे मन में आया, ना मैं कर सकता हूं। आप लोगों को अगर किसी संत के बारे में कोई बात बुरी लगती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो वो तीनों मिलकर रविदास जी की कुटिया में जाते थे। रविदास जी उस समय जूते बना रहे थे और उनके आने पर रविदास जी बहुत खुश हुए। प्रेम के आंसू उनकी आंखों से झलक गए थे, क्योंकि रविदास जी खुद तो महान थे ही, लेकिन दो महान संत उनके घर में आए थे। उनका प्यार उमड़ गया और वो प्यार आंखों से बहने लगा। उन्होंने अतिथि सत्कार में अपनी पठौती में से जल लेकर उनको पीने के लिए दिया। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी ने तो वो जल पी लिया था, लेकिन गोरखनाथ जी को बुरा लगा कि देखो अतिथि का सम्मान कैसे कर रहे हैं, अपनी चमड़ी भिगाने वाली कठौती में से जल लेकर पिला रहे हैं। उन्होंने बहाना बना दिया कि मैं पानी पीकर आया, मैं नहीं पीऊंगा। खैर, उन्होंने पानी नहीं पिया। कमाली उनके साथ में थी। कमाली रविदास जी को अपना गुरु मानती थी और उसे आत्मज्ञान मिल चुका था। उसने जो पानी रविदास जी ने उसे दिया वो पूरा का पूरा पी लिया, क्योंकि कबीरदास और कमाली जानते थे कि ये कठौती का गंदा पानी नहीं है, ये चरणामृत है, ये गंगा जल है, पवित्र जल है। लेकिन शायद गुरु गोरखनाथ जी को पता था या प्रभु की ऐसी लीला थी। खैर, तीनों वापिस चले गए और गुरु गोरखनाथ जी भारत भ्रमण के लिए निकल गए। कुछ दिन बाद मुल्तान में अलख निरंजन का शब्द गूंजा तो कबीरदास जी की पुत्री समझ गई कि गुरु गोरखनाथ जी आए हैं। गुरु गोरखनाथ जी के हाथ में एक खप्पर था। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो इस खप्पर को भर देगा हम उसके यहां भोजन ग्रहण करेंगे। भीड़ इकट्ठा हो गई, राजा भी वहां पहुंच गए, लेकिन कोई गुरु गोरखनाथ जी का खप्पर नहीं भर पाया। कमाली ने अपने पति से कहा कि जाओ इन संत को हमारे पास लेकर आओ। तब कमाली के पति आदर पूर्वक गोरखनाथ जी के पास पहुंचे और उन्हें बुला लाए और कमाली ने एक चम्मच गेहूं से ही उनका खप्पर भर दिया था, क्योंकि वो जादुई खप्पर था, कोई नहीं भर सकता था। गुरु गोरखनाथ जी ने प्रेम पूर्वक कमाली के घर में भोजन ग्रहण किया, क्योंकि उनका वचन था। लेकिन कमाली से पूछा, बेटी तुमने ये चमत्कार कहां से सीखा? कमाली बोली, मैं गुरु रैदास की शिष्य हूं, जो जल उन्होंने मुझे दिया था उससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी समझ गए, उन्हें पुरानी घटना याद आ गई कि मैंने जल नहीं पिया था, कबीर ने और कमाली ने जब पी लिया था। खैर, उनके मन में बहुत पछतावा हुआ और वो पुनः रविदास जी की कुटिया में गए। तब रविदास जी ने ये शब्द कहे थे, प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह जल तो मुल्तान गया। ये उस वक्त के रविदास जी के शब्द थे जो रविदास जी ने गोरखनाथ जी से कहे थे कि जब तुम्हें पानी पीने के लिए दिया था उस वक्त तो तुमने पिया नहीं, उसका निरादर कर दिया, और आज पानी मांगने आए हो। ये संतों का ज्ञान है, उनका अपना तरीका होता था। गोरखनाथ जी ने रविदास जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और फिर जो सम्मान था वो और बढ़ गया। संत रविदास जी की भूमि तप भूमि है, जहां कहीं रैदास का जिक्र होगा वह पवित्र स्थान हो जाएगा। गुरु रविदास जी के किए हुए कार्य को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो वो जगह धन्य हो जाएगी।
बोलो गुरु रविदास जी की जय।